तो वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो आपका लाइसेंस होता है ना, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, कैसे आप इसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है, और कैसे आप इसको नेक्स्ट 3 मंथ तक यूज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब ब्लॉग। माय नेम इज गौरव। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो, मजे में हो, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा लाइसेंस होता है ना, ब्लू वाला सिक्योरिटी वाला लाइसेंस, 200 डॉट। तो पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको न्यूजीलैंड में सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं COA, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, ठीक है। मैं भूल गया था इसलिए देख रहा हूँ, सॉरी। बट हाँ, अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो आपके पास होना चाहिए सिक्योरिटी का लाइसेंस। तो जो ये ब्लू वाला होता है, होता है टेम्प्ररी लाइसेंस, ठीक है। और टेम्प्ररी लाइसेंस आपको बनवाने के लिए पे करने पड़ते हैं $180, ठीक है। $180 तक आपका एक्सपेंस होता है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कुछ आपको कोर्स नहीं करना पड़ता, आपको सिक्योरिटी लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद जब आपको चाहिए होता है ये वाला लाइसेंस, जो कि परमानेंट होता है और ये होता है 5 साल तक वैलिड, ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। बट इसके लिए आपको करने पड़ते हैं कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है। मैंने दोनों वीडियोज़ बना रखे हैं कि कैसे आप टेम्प्रेरी वाला अप्लाई कर सकते हो, कैसे फुल लाइसेंस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उनके, तो आप वीडियो को देख भी सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ब्लू वाला लाइसेंस होता है टेम्प्रेरी वाला, कई लोग चाहते हैं उसको रिन्यू कराना, क्योंकि जब हम एक बार बनवाते हैं तो 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, तो उसके बाद हम कैसे उसको दोबारा रिन्यू करवाएं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वेबसाइट पे देखा बट मुझे कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने ली किसी की हेल्प। भाई का नाम प्रतीक था, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने मेरे साथ कुछ फाइल शेयर करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, अब बात करते हैं इसको रिन्यू कैसे करवाना है लाइसेंस को, ठीक है। मेजरली इसको रिन्यू करवाने के 2 स्टेप्स हैं, जो मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से हैं? 2 चीज़ें हैं। एक तो पेमेंट $20 की पेमेंट जो कि आपने करनी है PSPLA को। तो PSPLA एक ऑथराइज बॉडी है, ठीक है ना, जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। उनको आपने करनी है $20 की पेमेंट, प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। पेमेंट कैसे करनी है उसकी PDF अटैच करी हुई है, लिंक भी दे रखा है कैसे लिंक पे जाकर कैसे अपने पेमेंट करनी है। PDF के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच हैं कि कैसे अपने पेमेंट करनी है, ठीक है। सॉर्टेड स्टेप है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने नीचे अटैच किया हुआ है, क्लिक करो, रीडायरेक्ट हो जाओगे, डाउनलोड करो, उसको फिल कर दो, ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल तुम्हारी है, तो उसको जस्ट फिल करो। फिल कर दिया, डाउनलोड कर लो। जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपको कोई रिसिप्ट इशू होगी या और आपके जो बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे एक उसको, तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके रख लो, 2 फाइलों को डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का प्रूफ प्लस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको, इसको आपने करना है ईमेल। अब ईमेल किसको करना है? ऑफकोर्स PSPLA को। जिस ईमेल आईडी में उनको आपने ईमेल करनी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, तो आप उनको ईमेल डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल में लिखने के बाद, आप ईमेल करने के बाद लिख सकते हो कि भाई मेरे पास ये लाइसेंस है, एक्सपायरी डेट इसकी ये है, मैं चाहता हूँ रिन्यू करवाना, और मैंने पेमेंट कर दी है, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर दिया है, अटैच कर देना डॉक्यूमेंट्स और सीधा आप ईमेल कर देना। तो जब आप उनको ईमेल कर दोगे, 2-4 दिन के बाद आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई ठीक है, आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है हमारे पास। पेमेंट पहले करना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें एक जगह ऑप्शन होता है कि आपने पेमेंट कर दी है कि नहीं, तो उसको आपको ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस करके पहले आप पेमेंट करना, फिर फॉर्म भरना, ठीक है। तो जब आप सारा प्रोसेस कर ले तो ईमेल भेज दे, तो 2-4 दिन के बाद आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगा कि भाई हमारे को पेमेंट रिसीव हो चुकी है, हमने प्रोसीड कर दिया आपकी एप्लीकेशन। तो अराउंड 10 डेज आपके पास आपका लाइसेंस बाय पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये था स्टेप। बट एक चीज़ को ध्यान रखना, जब आप इस लाइसेंस को अप्लाई करते हो, आप इसको एक ही बार रिन्यू करवा सकते हो, मतलब फर्स्ट टाइम तो आपको लाइसेंस ही मिल जाएगा, सेकेंड टाइम बस एक बार इसको रिन्यू करवा सकते हो। तो टोटल आप टेम्प्ररी लाइसेंस को 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 6 मंथ के बाद आपको मॉड्यूल्स करने पड़ेंगे और फुल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, पर फुल लाइसेंस तब अप्लाई करना जब तुम्हारे हाथ में जॉब हो, ठीक है, क्योंकि जब फुल लाइसेंस अप्लाई करते हैं ना, तब को मॉड्यूल्स करने पड़ते हैं, और उसकी फ़ीस अराउंड 330 से $400 तक होती है, प्लस इसकी फ़ीस, लाइसेंस की फ़ीस जो कि होगी $187, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आई गेस मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी आप लोगों के साथ, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगता हो कि मैंने मिस कर दी, तो आप कमेंट्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि अगर कोई और बंदा कमेंट पड़ता है तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखा।